तेरे ही ही भरोसे हम, भरोसे हैं हम तेरे तेरे ही ही सहारे, सहारे। दुविधा दुविधा के की घड़ी घड़ी में में ये ये मन तुझको तुझको ही ही पुकारे। पुकारे। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, हमारा नया बंटा है। ये बंटा बंटा अपना कॉन्सेप्ट है। मीट अनिर्बान। अनिर्बान हाय बोलो। हाय दोस्तों, सब कैसे हो? उमराव साहब साहब जो है, जिस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके टीजर्स डाले, पब्लिक का रिएक्शन आया, फिर उसके ऊपर उन्होंने और ज्यादा काम किया। उन्होंने बोला कि प्रोड्यूसर को बोला कि भाई मुझे तो और 200 करोड़ की जरूरत है। ओम रावत ने जब आपको फोन किया था, करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। उसने क्या बोला कि उसने 200 करोड़ का किया क्या? उसने मुझे यही बोला कि जो हमारी पिक्चर है आदिपुरुष, इट इज एग्जैक्टली लाइक योर रूम राइट नाउ। अच्छा, द ब्राइटनेस इज लो, मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा। उसने 200 करोड़ में ब्राइटनेस बढ़ाया। 200 करोड़ का जो टच था, पब्लिक पागल। और फिर तो मतलब मजा ही मजा है। फिर उमराव साहब ने बोला कि मूवी रिलीज होगी जैन में। चूतिया बनाया तुमको। फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो क्या प्रॉब्लम हो गया आप लोगों को पता नहीं है, बट मुझे लग रहा है ब्राइटनेस का ही प्रॉब्लम हुआ रहेगा। मुझे लग रहा है नहीं, ब्राइटनेस का तो प्रॉब्लम था। हाँ। बट उसके कुछ दिनों बाद हाँ, शाहरुख खान साहब आ गए कि मैं 26 तारीख को पठान लेकर आया। अरे रे 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 रे। और उसका तो ब्राइटनेस इतना ज्यादा है सच्ची। अब नया ट्रेलर लेके 4 दिन पहले एक नया ट्रेलर आया, ठीक है? नहीं नहीं भाई, बाय द वे उसके पहले एक और ट्रेलर आया। अच्छा, एक और ट्रेलर आया था। अरे हाँ हाँ, उससे पहले एक और ट्रेलर था। लेकिन वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो अच्छा था। वहाँ उन्होंने VFX सब हाइड कर दिया। करेक्ट, क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो तुमको अगर VFX से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम दिखाएंगे ही नहीं। और ओम राउत साहब ने अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट मारा। अच्छा, क्या बोले? पता है कि नहीं? नहीं पता। उसने बोला कि जब मैं छोटा था, मैं रामलीला वगैरह देखता था, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि जब भी रामलीला चलती है हनुमान जी देखने आते हैं शो, तो मैं सब प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ जिस जिस थिएटर में आदिपुरुष लगे वहां पे एक सीट हनुमान जी के लिए बुक कर दो। तो मेरे घर के बाजू में PVR है, आई लिव इन पनवेल न्यू बॉम्बे, तो वहाँ एडवांस बुकिंग चालू गई है। 6 शोज है फ्राइडे के लिए 16 जून। वहाँ पे सच में सीट्स ब्लॉक है। नाउ मेरा पॉइंट ये है, एक सीट ब्लॉक है, हाँ, हर एक शो में एक सीट। तो मेरा उसमें रिएक्शन है कि नहीं भाई, हनुमान जी इतने तो वेल्ले नहीं है कि वो हिमालय से पनवेल आएंगे आदिपुरुष देखने। नहीं, वो क्या बोल रहा है कि देखो, वो क्या बोल रहे हैं, हनुमान आएंगे। वो बोल रहे हैं कि हनुमान बेसिकली इस कलयुग में अभी भी है। अब वो डिपेंड कर रहा है कि तुम पनवेल में हो, कहीं न्यू बॉम्बे में हो, कहीं लखनऊ में बैठे हो, हनुमान जी कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है? तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो हनुमान जी का प्रॉब्लम है ना, जहां पे ट्रैवल करना है उनको। तुम्हारे लिए हमने क्या रखा है कि तुम्हारी बगल वाली सीट हनुमान जी बैठेंगे, तो तुम उसका मजा लो ना। अरे लेकिन मेरा बात ये है, अभी सब मेरा बाजू वाला सीट खाली है, मेरा तो एक्सपेक्टेशन रहेगा ना हनुमान जी बैठे हैं। क्या बोला तूने? तो मतलब मैं पूरा टाइम ऐसा रहूं? अभी वो ओम जी ने वो नहीं बताया कि आप कैसे रहो। ओम जी ने क्या बताया कि उनके मार्केटिंग हनुमान जी बैठेंगे। मार्केटिंग टीम ने ये बताया कि एक आइडिया ये है कि हर एक सिनेमा में एक सीट रखेंगे, ठीक है? खाली, ठीक है, खाली, खाली, एक खाली रखेंगे। अब वो पता नहीं कि आगे की सीट या पीछे की सीट, कि लास्ट सीट, वो पता नहीं है। तुझे पता चला है कौन सी सीट है? रैंडम सीट है, एक बीच में, एक साइड में। तो वो डिपेंड कर रहा है ना कि हनुमान जी को कितना कन्वीनियंस है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने प्रॉपर ऐसा सोचा है, तो दैट इज द ब्यूटी अबाउट द मार्केटिंग टीम ना। तो उन्होंने एक रैंडम सीट रखा है। अगर PVR वालों को बोला कि PVR बोलेंगे इसका क्या करेंगे, तो बोला हम पैसा देंगे उसका। दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि बोलेंगे अरे आप हनुमान जी से पैसे लोगे। सही पकड़े हैं। एक बहुत बड़ा धार्मिक और मार्केटिंग एंगल है जो ओम राउत साहब ने लाया है। और उसके लिए तो हम अभी एक आएगा साउंड इफेक्ट तालियों का, वो ओम राउत जी के लिए, ठीक है? वो हम डाल देंगे पोस्ट में। हाँ, किसी ने बोला है कि ओम राउत साहब का जो हिडन टैलेंट है ना, वो हिडन ही रहना चाहिए। और तो मुझे बाहर क्यों निकाल रहे?
वो हिडन ही है, वो किसी को पता नहीं है ना, वो पर वो हिडन टैलेंट है, मुझे काफी फनी लगा। क्यों लगता है मुझे लगता है मंदार ये कमेंट आपने डाला है एनोनिमस अकाउंट से। जब फर्स्ट टीजर आया था जब इन लोगों ने सब 5 महीने के सब बंद कर दिया था, वहां पे किसी ने फोकस किया, एक मीम बना था। ओके, सो इफ एवरीबॉडी नोज द वे राम किल्स रावण इन रामायण इज उसके नाभि पे वार करते हैं, नेवल पे, नाभि पे। ओम राउत ने ऐसे क्रिएटिव लिबर्टी ली कि नाभि ही नहीं है टीजर में, तो मारेगा किधर तीर? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मतलब मिस्ट्री है ये। हाउ विल ही डाई मिस्ट्री है मतलब। तो शायद मुझे लग रहा है वो 200 करोड़ में नाभि भी आनी चाहिए, मुझे लग रहा है ब्राइटनेस के साथ, थोड़ा ब्राइटनेस के साथ। देखो उसने अगर ओमराज साहब ने अगर नाभि डाली होगी वो तुमको थोड़ी आके बताएगा, वो तो तुमको बड़े पर्दे पे ही पता चलेगा ना। मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर वो मिसिंग है तो 200 करोड़ में नाभि तो आनी चाहिए, आनी चाहिए। मेरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आदि पुरुष के साथ ये है कि प्रॉब्लम है, अच्छा ओके, प्रॉब्लम ओके, तुम्हारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट है, वी नो व्हाट रामायण इज, करेक्ट। ओम राज का पूरा गेम था वीएफएक्स, करेक्ट, ऑफ कोर्स। तुमने वही फॉर व्हाट ही सेइंग क्रिएटिंग लिबर्टी। अगर आप उसका पहला टीजर देखो, टेंपल रन से सीन चुरा है, टेंपल रन गेम। देखो दोस्तों, ओम राउत साहब टेंपल रन के फैन भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि लिबर्टी हर बात पे इतनी लिबर्टी। अभी एक क्रिएटिव आदमी दोस्तों, अब जब बोले आपको कि क्रिएटिव लिबर्टी ले रहा हूं मैं, तो वो कितना लिबर्टी ले रहा है वो अपने को पता नहीं है ना। क्योंकि देखो क्रिएटिव लिबर्टी के अंदर बहुत सारी चीजें है, तो आई स्टैंड विद क्रिएटिव लिबर्टी, एंड इफ ओम राउत साहब इज सेइंग क्रिएटिव लिबर्टी आई स्टैंड विद हिम। वो ऐसा एक चेन है। देखो मैं इज इक्वल टू क्रिएटिव लिबर्टी इज इक्वल टू ओम राउत, तो अगर ओम राउत इज क्रिएटिव लिबर्टी तो मैं ओम राउत का दोस्त होगा ना, वो वैसा है वो, तो ऑटोमेटिकली मैं दोस्त बन गया। बट मेरे को भी थोड़ा ऐड करना है इस पे, जो भी थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया है उसमें मैंने पढ़ा कि लोगों को थोड़ा राम के वॉइस से प्रॉब्लम था। इफ नॉट शरद केलकर, मोनीश भेल वुड हैव बीन अ बेटर वॉइस। अरे लेकिन फिर वो जाके रावण को बोल देता ना कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अभी देखो वो बोल सकता था, पर अभी वो जिसको प्रॉब्लम था उसने सोचा नहीं ना, पर ये वैलिड रीजन है। अगर मोनीश भेल का हो जाता तो बोल सकता था लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, फिर रावण और रावण नहीं राघव और सीता, राघव रावण जानकी और राघव लंकेश करेक्ट। तो उनका थोड़ा मेरे को लग रहा प्रॉब्लम होता अगर मोनीश भेल होते तो, पूरा बचपन गया देखते देखते मोनीश भेल को। तो सच है कि भगवान है। देखो भाई दोस्तों, आपको लग रहा है ना कि ये एक म्यूजिकल शो भी हो रहा है, सम शॉट्स जहाँ पे कुछ मूवीज, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि प्लैनेट ऑफ द एप्स का तो याद ही आया, राइट? पूरा आया ही, वो सीन सेम है, जो वो चीखता है। तो जो वाइड शॉट्स है ना अपने राघव के जो वाइड शॉट्स है उसमें दोस्तों थोड़ा इश्यूज है, ठीक है, उसमें थोड़ा एनाटॉमी इश्यूज है, वीएफएक्स का तो डेफिनेटली है, ठीक है, वाइड शॉट्स में। क्लोजअप में तो भारी भाग का मतलब ऐसे, मतलब लुक दिया ऐसा 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 भी आंख नहीं हो रहा, ऐसा ही है वो, ऐसा तेरे पास तो ग्लास भी तूने पहने रखे है। अरे ये तो एप्पल के विजन प्रो है, इट विल एनहांस द वीएफएक्स, एनहांस करेक्ट। वो थोड़ा मेरे को थोड़ा ब्राइट दिखेगा इसमें। मेरे को बाय द वे मैं बता दूं, आई रियली लाइक तानाजी। अरे तानाजी तो बड़ा हिट था यार। हाँ, जहाँ पे अजय देवगन घोड़े को कंधे से मार रहे हैं। अरे ऑफ कोर्स, वो भी क्रिएटिव लिबर्टी है। ऑफ कोर्स लिबर्टी है। हाँ, घोड़े ने बोला मुझे मार, हाँ, तो अजय ने मार रहा, केसरी करके मार दिया, मार दिया अपना जो, करेक्ट। सो आई रियली लाइक तानाजी, सैफ ने अच्छा काम किया, तो आई हैड एक्सपेक्टेशन। और तुम बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ होल्ड योर हॉर्सेस, मैं बोल रहा हूँ होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि एक हफ्ते में Pun intended, guys. तो दोस्तों जैसे हमने बोला कि इसी हफ्ते ये पिक्चर आएगी, ठीक है, आदि पुरुष, तो आप देख लेना, बताना आपको कैसे लगी। ओम राउत साहब को मैसेज देना, हमको मैसेज देना, अनिर्बन उनको मैसेज देगा नहीं तो अपना बंटा भूषण है ही, ठीक है। बस यही था आज का एपिसोड, ठीक है, हमको जो लगा, धन्यवाद दर्शकों, हाँ धन्यवाद दर्शकों, वो तो है, लाइक शेयर दबाना भूलना नहीं दोस्तों,
कमेंट और सब्सक्राइब और अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो भाई। अरे भेजो, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, दिस इज द नीड ऑफ द आवर दोस्तों। और होल्ड योर हॉर्सेस दोस्तों, जैसे हमने बताया पहले, एंड होल्ड योर सीट्स, बाजू में हनुमान जी रहेंगे, हनुमान जी रहेंगे, निकल जाओ। मुझे लग रहा है अगर आप हनुमान के भक्त हो, शनिवार को देखने जाओ। तो बस इसी भक्ति और ये धार्मिक एपिसोड हम आज ही, और विपासना, विपासना के साथ जैसे हमने बोला, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, आदि पुरुष जाके देख के आओ। हमको कोई स्प्रेड द रामायण, हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा इस पे, हाँ जरूर मिलेंगे वापस, जैसे हमारा ये बॉलीवुड स्पेशल एपिसोड है, हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो टाटा बाय बाय दोस्तों, ऐसे आते रहेंगे गाइस, ऐसे ही आते रहेंगे। अच्छा लगा, टाटा बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।